हाथ ठेले के बाद मोटर बाइक पर दिखी शर्मसार सिस्टम की तस्वीर, माँ का शव ले जाने, बेटे को नहीं मिला शव वाहन। रीवा जिले के मऊगंज कस्बे से आज एक बार फिर सिस्टम को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई है, जहां सर्पदंश से मृत हुई पत्नी के शव को ले जाने के लिए पति और बेटे को शव वाहन नहीं मिला और वो शव को लकड़ी की तरह बांधकर मोटर बाइक में ही पत्नी का शव लेकर जाते दिखे। हम आपको बता दें कि इसके ठीक दो दिन पहले मऊगंज से ही एक लाचार पिता की बेबसी देखने को मिली थी, जहां बेटी के इलाज के लिए 8 घंटे तक लाचार पिता कंटेनमेंट जोन में फंसा रहा और बाद में बेटी को हाथ ठेले में लेकर वह अस्पताल पहुंचा। इसके ठीक दो दिनों पहले मऊगंज से ही एक लाचार पिता की बेबसी देखने को मिली थी, जहां बेटी के इलाज के लिए 8 घंटे तक एक लाचार पिता कंटेनमेंट जोन में फंसा रहा और बाद में बेटी को हाथ ठेले में लेकर वह अस्पताल पहुंचा था, जिसके बाद उसे इलाज मिल सका। जिले के मऊगंज कस्बे में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति सिस्टम से तंग आकर अपनी पत्नी के शव को मोटर बाइक में ले जाने के लिए मजबूर हो गया, और वो इसलिए क्योंकि उसे अस्पताल से पत्नी का शव ले जाने के लिए डॉक्टरों ने शव वाहन देने से इनकार कर दिया। दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र के सुरवही गांव की रहने वाली श्यामवती जायसवाल को सांप ने काट लिया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उसका पीएम कराया गया। लेकिन पीएम के तुरंत बाद जब परिजनों को डेथ बॉडी सौंपी गई तो उन्हें यह कहकर शव वाहन नहीं दिया गया कि अस्पताल में शव वाहन की कमी है। अब इसे सिस्टम की संवेदनहीनता कहें कि जिस अस्पताल में शासन और प्रशासन की व्यवस्था के बावजूद बड़े बड़े लोग शव वाहनों का दान करते हैं, इसके बावजूद अस्पताल के भीतर शव वाहन की कमी प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण दे रही है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 6 से, जहां लाचार पिता को कंटेनमेंट जोन में होने के कारण अपनी बेटी के इलाज के लिए 8 घंटे तक जद्दोजहद करनी पड़ी थी। बाद में कंटेनमेंट जोन की जाली तोड़कर खुद ही विवश पिता हाथ ठेले में अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद ही उसका इलाज संभव हो सका। इस संबंध में प्रस्तुत है मृतिका के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? जी उदयभान जसवाल। इनको क्या हो गया था? सांप काट दिया था। कब की घटना है ये? आज का 1 बजे के। आज की? हाँ। तो वहाँ से कोई आपको एम्बुलेंस या कि अस्पताल गई? नहीं, सौ वाहन के लिए। सौ वाहन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपस में व्यवस्था, आप लोगों ने वहाँ पे सौ वाहन की डिमांड की कि हमको गाड़ी, तो भी नहीं किए? क्यों नहीं किए? अभी नहीं हो पाएगा। हाँ। पीएम हो गया। सौ वाहन के लिए बोले कि सौ वाहन नहीं है। क्या बोले? कौन बोला कि अपने से आधा वाहन? डॉक्टर लोग बोले हैं, बोले कि अपने से आप वाहन करो ले जाओ। क्यों, वो वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे क्या? क्यों आपने उनसे बोला कि हमको ले जाना हो ले जाइए? हम बोले साहब भाई साहब से हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सौ वाहन की आपने बोला था कि सर सौ वाहन की व्यवस्था करिए। किस गांव के हैं आप? माचे।